किसान भाइयों नमस्कार। अभी जैसा देखने में आ रहा है आप लोगों की फसल करीब 35-40 दिन की हो गई है। कई जगह सोयाबीन में फूल भी आ गए हैं और इल्लियों के साथ साथ अब गर्डर बीटल का प्रकोप भी शुरू हो गया है, तो इसके नियंत्रण की अब बहुत आवश्यकता है। गर्डर बीटल एक ऐसा कीड़ा है सोयाबीन में लगने वाला जिसका जीवन चक्र थोड़ा सा क्लिष्ट है, बड़ा दुरूह है समझने के लिए। आप लोगों को सिर्फ जब पत्ती सूखती है तब ऐसा लगता है कि गर्डर बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है, लेकिन उसके पहले से इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही इसकी मादा मक्खी जो एडल्ट है, वयस्क है इसका, वो पौधे के किसी भी भाग पे रिंग बनाती है, गर्डल बनाती है, तो 2 से 3 घंटे के अंदर वो पत्ती मुरझा कर लटक जाती है, झूल जाती है। ये पहला लक्षण है सोयाबीन की फसल में जो देखने में आता है कि गर्डर बीटल का प्रकोप शुरू हो गया। पत्ती अभी सूखी नहीं है, पत्ती सूखने में करीब 4-5-6 दिन का समय लगता है, जबकि आपको पता लगता है कि गर्डर बीटल का प्रकोप हो गया, जबकि इसके पहले 5-6 दिन पहले हो चुका होता है। तो अगर हम अपनी फसल की सतत निगरानी कर रहे हैं, रोज़ खेत में जा रहे हैं, तो इस तरह के लक्षण को देखना कोई मुश्किल बात नहीं है। बड़ी आसानी से इस तरह की झूली हुई पत्तियाँ, लटकी हुई पत्तियाँ देखने को मिल सकती हैं और आपको अंदाज हो सकता है कि गर्डर बीटल का प्रकोप शुरू हो गया है। इसी समय हमको इसके उपचार करने होंगे। जो छोटे किसान हैं जिनके पास में कि 1-2-4 बीघा ज़मीन है और जो कि आमतौर पर अपने परिवार के सदस्यों से ही खेती का काम करते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो झूली हुई पत्ती है या सूखी हुई पत्ती भी अगर देखने में आ रही है तो उसको नीचे से तोड़ लें। पूरा पौधा भी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, पत्ती के डंठल समेत उसको तोड़ लें नीचे से और एक बैग में भरते हुए, एक थैली में भरते हुए उसको खेत के बाहर कर दें। और अगर सप्ताह या 10 दिन में 2 बार भी इस तरह का काम कर लिया तो छोटे किसान भाइयों को गर्डर बीटल के लिए कोई रासायनिक दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, जिनकी खेती बड़ी है और वो मज़दूरों से काम कराते हैं, उनके लिए रासायनिक कीटनाशक डालना ज़रूरी होता है। तो भारत सरकार ने और सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में जो रिसर्च हुई है उसके आधार पर एक कीटनाशक जो खास गर्डर बीटल के लिए अनुशंसित किया गया है, उसका नाम है थाइक्लोप्रिड। थाइक्लोप्रिड इसकी 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की मात्रा अगर आप छिड़केंगे तो गर्डर बीटल का काफ़ी नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा इमामेक्टिन बेंजोएट है, प्रोफेनोफॉस है, ये एक एक दवाई वाले कीटनाशक हैं। इनका प्रयोग करके आप गर्डर बीटल के प्रकोप को कम कर सकते हैं।